सो हेलो गाइस, दिस इज वन की है, वेलकम टू अनदर वीडियो। जैसे कि गाइस मैं लास्ट वीडियो में अपनी बताया था कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है 5G जब इंडिया में आएगा, टेलीकॉम कंपनीज को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और हम इंडियंस को भी फेस करनी पड़ेगी। अब इस वीडियो में बताता हूँ कि आपको 5G फोन अभी खरीद लेना चाहिए या नहीं, आपको ज़रूरत है या नहीं, या फिर आपको क्या क्या चीज़ें सोचनी चाहिए 5G फोन खरीदने से पहले। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले बात करनी चाहिए कि अगर हम फोन खरीद रहे हैं ना, सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए उसके अंदर कि 5G हो, क्योंकि अब 5G आने वाला है। जी नहीं, आपको सबसे पहले 5G को नहीं रखना चाहिए, 5G एज अ ऑप्शन रखना चाहिए आपको छठे सातवें नंबर पे, क्योंकि अभी 5G फोन खरीदने से कुछ खास फायदा नहीं है, क्योंकि भाई अभी 5G आया नहीं है इंडिया में और आते आते भाई 5G को 2021 के मिड के बाद आएगा, ऐसा अनाउंसमेंट हुई थी कुछ टाइम पहले, जैसे कि मैंने बताया था उसमें। ऐसे अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग अभी अगर इतना टाइम है आने में, और ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही 5G आपकी सिटी में आना शुरू हो जाएगा, सबसे पहले जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं उनमें आएगा, कुछ कुछ चुनिंदा जगहों पर 5G आएगा, इतने सब जगह सेटअप होंगे टावर्स, उसके बाद कहीं तक आपके पास 5G पहुंचेगा। तो इसलिए आप 5G फ़ोन अभी से ही ना खरीद लें, हो सकता है बाद में आपको फोन और अच्छे मिल जाए। अभी आप जो खरीदें फोन आप खरीदने की सोच रहे हैं तो और फैक्टर देखते हुए खरीदें, जैसे कैमरा हुआ, स्पेसिफिकेशंस हुई, और भी सब चीजें हैं उसे देखते हुए फोन को खरीदें, 5G को पहले नंबर पे एज अ चॉइस फोन खरीदने के लिए ना देखें। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी चीज की तरफ। जो हमारी दूसरी चीज है वो ये है कि भाई 5G फोन अगर आप अभी खरीदते हैं तो आपको देख लीजिए वो थोड़े से आपको महंगे दिखाई दे रहे होंगे, आपको कुछ कुछ फोन सस्ते भी दिखाई दे रहे होंगे, पर मेरी बात मानिए, इतने 5G लॉन्च होगा तब तक भाई फोन और सस्ते हो जाएंगे, और अभी कुछ कुछ ब्रांड अपने फ़ोन के फ्लैगशिप निकाल रहा है 5G में, उस टाइम हर ब्रांड 5G फ़ोन बनाएगा, क्योंकि वहाँ 5G इंडिया में आ चुका होगा, तो वहाँ पे फ़ोन के प्राइस भी सस्ते होंगे, आपके पास ढेरों सारे ऑप्शन होंगे, कोई सा भी उसमें से चूज़ कर सकते हैं, अभी आपके पास चुनिंदा ऑप्शन है, और आप सिर्फ 5G के लिए फ़ोन खरीद लें जबकि वो 8 या 10 महीने बाद है, तो ये थोड़ी चीज़ सोचने हैं, सेंसलेस है, और वहाँ पे आपको खरीदने की मेरे ख्याल से अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारी देखते हैं कि अगली चीज़ अगर आपको 5G फ़ोन खरीदना है उसमें कि अभी जब 5G आएगा तो वहाँ पे प्लान्स आपको बहुत ज़्यादा महंगे मिलेंगे। तो देखिए, अगर आपके 5G अगस्त में भी आता है 2021 में सपोज करते हैं, तो वहाँ पे प्लान शुरुआत में ही आपके 1000 या 1500 से ऊपर के प्लान्स होंगे, तो वहाँ पे आप शुरुआत में ही खरीद, सब तो नहीं खरीद लेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता, ज़्यादातर लोग नहीं खरीदेंगे, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सोचना होगा कि आप अगर अगले साल नवंबर में लेने वाले हैं 5G को यूज़ करना शुरू करने वाले हैं, क्योंकि एकदम से 5G आ नहीं जाएगा और आपका स्पीड भी इतनी अच्छी नहीं देगा, तो वहाँ पे आप अभी से 5G फ़ोन खरीद लेंगे तो वो थोड़ा सा कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपको भी। जो चौथी चीज़ है जो हमारी बाद में हम बात करते हैं कि 5G फ़ोन खरीदने के लिए आपको और कौन सी चीज़ ध्यान रखनी है, वो है कि किन किन लोगों को 5G अगर आप अभी खरीदते हैं तो किन किन को खरीदना चाहिए। अगर आप 5G फ़ोन यूज़ करते हैं और आप उसको 5-6 साल तक अपने पास रखने वाले हैं तब आप 5G फ़ोन खरीदें, वरना अगर आप 1-1.5 साल में उस फ़ोन को निकाल रहे हैं तो जैसे जो फैक्टर्स मैंने ऊपर आपको गिनवाए हैं कि आप अगर 1 साल तक फ़ोन रख के छोड़ देते हैं, नया फ़ोन खरीदना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप 1 साल बाद ही नया फ़ोन खरीद लीजिए, आप 5G की वजह से अभी पैसे इन्वेस्ट करेंगे और फिर अगले साल फिर से 5G फ़ोन खरीदेंगे जो कि सस्ता हो चुका होगा, तो आप अभी क्यों अपने पैसे ख़राब करना चाहते हैं। आपको अपने पैसे लगाने हैं तो स्पेसिफिकेशंस पे लगाइए, कैमरा पे लगाइए, अपने प्रोसेसर पे लगाइए, CPU पे लगाइए, उन सब चीज़ों को देख के फ़ोन खरीदिए और सिर्फ 5G की वजह से फ़ोन मत खरीदिए। तो ये कुछ फैक्टर्स तो आपको ध्यान रखना है। मेरे ओपिनियन में अभी फ़ोन खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहते हैं खरीदना तो आप खरीद सकते हैं, वो आपका ओपिनियन है, वो आपका पर्सपेक्टिव है, मेरा भी कहना ये है कि 5G में इन्वेस्ट करने से अच्छा फ़ोन की स्पेसिफिकेशन पे इन्वेस्ट कीजिए, ना भाई मस्त अपना फ़ोन को यूज़ कीजिए, 5G की वजह से फ़ोन मत खरीदिए। और जिन लोगों ने 5G फ़ोन खरीद लिए हैं उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप फ़ोन रखें तो उसको लंबा रखें, अगर आपको बदलना ही था तो आपने क्यों खरीदा, अगर आपने खरीद लिया तो कोई दिक्कत नहीं, 4G तो आपका चल ही रहा है, 5G का इंतजार करिए और उस फोन में फिर आप 5G यूज़ कर सकते। सो गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो इंस्टाग्राम फॉर अगले अपडेट। थैंक यू सो मच।